लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्ते, पंजाब टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। पंजाब टुडे में चूंकि पंजाब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और इसको लेकर के हंगामेदार मुद्दे भी हैं और तैयारियां भी विपक्ष की तरफ से की गई हैं और सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है और ये कहा जा सकता है कि मौजूदा दौर में सरकार ड्राइविंग सीट पर है, इसलिए विपक्ष कितना आक्रामक हो पाएगा ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब विधानसभा का 3 दिन का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। सत्ताधारी कांग्रेस को ये उम्मीद है कि ये सत्र बेहद आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन विपक्ष के पास भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार पर हल्ला बोल सकते हैं। वही मुख्य विपक्षी दल आप की प्रदेश इकाई में अंदरूनी कलह चल रही है, जिसकी शुरुआत विपक्ष के नेता के पद से विधायक सुखपाल खैरा को हटाने के बाद से शुरू हुई थी। खैरा को पद से हटाए जाने के बाद उनकी अगुवाई में कई विधायकों ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया था। दूसरी तरफ अकाली दल में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो ऐसे में सरकार को घेरना विपक्ष के लिए कितना मुश्किल रहेगा ये एक बड़ा सवाल है। तो सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है एक बार आइए उस पर नजर डालते हैं। किसानों से जुड़ी कई अहम बातें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है विधानसभा के अंदर। करतारपुर कॉरिडोर का मसला भी हो सकता है कि उछले आए सामने। इसके साथ साथ बरगाड़ी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, इसके भी संभावना है कि ये विधानसभा के पटल पर रखे। और गोलीकांड मामले में SIT की जो धीमी रफ्तार है इस पर भी सवाल उठ सकता है कि रफ्तार तेज किया जाए। और खालिस्तान और नवजोत सिंह सिद्धू के मसले पर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है और युवाओं को रोजगार दिए जाने के मसले पर भी विधानसभा के सत्र में हंगामा देखने को मिल सकता है। तो कई दिनों से चल रहे प्रदर्शनों को लेकर भी, जो किसानों की तरफ से प्रदर्शन है, कुछ सरकारी कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन है, वो एक सवाल हो सकता है। अब इसी मसले को लेकर के तरह तरह से बयान भी सामने आ रहे हैं, कुछ बयान सामने आए हैं, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। क्या कह रहे हैं यार, ना दलितों के मुद्दे पे बैटरी नहीं है, ना इंडस्ट्री के मुद्दे पे, ना व्यापारी के मुद्दे। राहुल गांधी दूजे स्टेटा च जाके तो बड़ी वड्डी वड्डियां गल्लां किसान किसानी वास्ते करते हैं, दलतों वास्ते करते हैं, किसानी कर्जे नूं माफ करन दी गल करते हैं, मगर असलीयत जे लोगों ने हिंदुस्तान दिया ने वेखनी है तो पंजाब आके वेखन। वधिया लोगों ते बोझ पाया, उहदे बदले लोगों नूं की दिता है, मतलब एक तिहाई भी नहीं दिता। जिहने पंजाब दा दर्द ही दर्द है, साडे साडे कोल पीण वास्ते पाणी नहीं रहा, साडे कोल खाण वास्ते जिहड़ा जिहड़ा साडा भोजन उहदे च जहर है, मरीजां नूं इलाज नहीं मिल रहा, टीचरां दीआं तुसीं तनखाहां कट कट के तीजा हिस्सा करी जांदे हो, इह नहीं है, करप्शन हर जगह, मतलब मुद्दे ही मुद्दे ने। आ देखो, पंजाबी वास्ते एक बड़ा वड्डी मैं कॉल अटेंशन लाई सी कि पंजाब एंड हरियाणा जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच हरियाणा दी विधानसभा ने एक मता पास करके भेजिया कि जिहड़ी जजमेंट है सिर्फ अंग्रेजी च नहीं पंजाबी च हिंदी च मिलनी चाहीदी है, उन्हां ने पेश करके भेजता, असीं सुत्ते पए हां। उत्थे जदों हिंदी दे विच जजमेंट मिलिया करेगी तां उत्थे लोकां नूं बहुत आसानी होएगी। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਊ ਸੈਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸੈਸ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ। ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਭਾਂਡੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ, 4 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ 5ਵੀਂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਹਾਊਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸਟੈਂਡ, ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਕਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿਸਾਨ।
जी, ये तमाम बयानात सुने आपने और विधानसभा की जो 3 दिवसीय कार्यवाही है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। बलजिंदर कौर जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और परमिंदर शारदा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलजिंदर कौर जी आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा के पटल पर आप लोग इस शीतकालीन सत्र में रखने जा रहे हैं? देखिए पंजाब के बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे मतलब अभी डिस्कशन करनी बाकी है जी। और जैसे कि किसानों के मसले हैं, जैसे कि यूथ के मसले हैं, जैसे कि जॉब्स के मसले हैं, बेरोजगारी एक अहम इशू है। और उसके बाद अगर हम बात करें, इससे हटके भी बात करें, तो लाइक इसमें लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू। तो आज गवर्नमेंट बने को इतना टाइम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट है जो मतलब एक बैड इंटेंशन के साथ काम कर रही है, मतलब दे आर नॉट सिंसियर अबाउट पंजाब कि पंजाब को कैसे कैसे यूथ को बचाना है, कैसे यूथ को सर्वाइव करवाना है। स्टिल जो ड्रग्स का इशू है वो एक अहम मतलब जिसने आज भी पंजाब की जो जड़ है उसको जकड़ रखा है। तो मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी हर बार की तरह हमारी ये डिमांड थी कि इस सेशन को बढ़ा के नियर अबाउट 10 से 15 दिन तक का किया जाए। मतलब इट वाज रियली शॉकिंग फॉर अस कि जैसे आज का जो हमें पता चला कि पहले जो सेशन था वो 3 दिन का बुलाया गया था कि दैट इज 13, 14 and 15 को। तो आज मतलब इट वाज टोटली सरप्राइजिंग कि जब हम पता चला कि सेशन की कल की एक सिटिंग कम कर दी गई और परसों का टोटली मतलब डिनाई कर दिया गया। व्हाट डज इट मीन कि जब सरकार इतने एक्सपेंसेस, इतना फंड्स, इतना पैसा उस पर यूटिलाइज कर रही है, तो मतलब सेशन का कोई मतलब उसको सीरियसली ले ही नहीं रही है। लाइक पब्लिक का लोगों का मजाक बनाने वाली बात है। बिल्कुल बलजिंदर जी मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए थोड़ी देर और हमारे साथ। वल्टुआ साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। वल्टुआ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू। परमिंदर शारदा जी से एक सवाल ले लेता हूँ बल्टुआ साहब, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। परमिंदर शारदा जी आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि हमने अमूमन इसी तरह की तस्वीरें देखी हैं कि शीतकालीन सत्र हो या फिर अगर हम बजट सत्र को छोड़ दें तो इसके अलावा जो सत्र की अवधि होती है वो इसी तरीके से होती है, 3 दिन 2 दिन 4 दिन इसी तरीके से होती है। बहुत कम मसले ऐसे आते हैं जब सत्र की जो समय सीमा है वो बहुत बड़ी हो। क्या इस पर कोई सत्ता पक्ष ये चाहता है ज्यादा बवाल ना हो, इसी वजह से छोटे छोटे सत्र कराए जाते हैं? मैं आपसे सहमत हूँ, आपने बढ़िया बात कही है कि ये जो राज्य सरकारें होती है जी, जब सत्र की अवधि घटा देती है तो सीधी सी बात है कि विपक्ष की बात को नजरअंदाज कर दिया जाए जी। विपक्ष की बात को नजरअंदाज करने के पीछे भी कारण है, पंजाब जैसे राज्य के अंदर जहां विपक्ष के नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि पूरे के पूरी जिस आम आदमी पार्टी को जो आम आदमी के वजूद को लेकर चली थी वो आपस के अंदर जिस तरह से खंडित हो चुके हैं जी। उनमें एका होना चाहिए था ताकि एकजुट होकर अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो विपक्ष को इस वक्त इकट्ठे होकर उठाना चाहिए, चाहे अकाली हो या आम आदमी पार्टी, दोनों को इनको मिलकर उठाना चाहिए था, क्योंकि पंजाब का किसान एक अलग पहचान रखता है, वहां समस्याएं भी अलग किस्म की है। यहाँ पर जमीन प्रथा बाकी देश के हिस्सों से अलग है, यहाँ जमींदार का जो जमीन अपने पास रखने का स्वरूप है, किसानों को जमींदारों तक से अलग कर्जे लेने होते हैं। कप्तान साहब के लिए ये मौका है कि अगर सचमुच किसानों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं कुछ अच्छी प्लान और अच्छी योजनाएं लाते। ये बातें तो मैनिफेस्टो में लिखने की आम है, किसानों के कर्जे माफ कर देंगे या कुछ है, फौरी तौर पर उन्हें जो सुविधाएं चाहिए वो मामला कैप्टन साहब की तरफ से घोषित किया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे मेजर बात यह है कि करतारपुर कॉरिडोर न सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए बल्कि देश के लोगों के लिए एक अच्छा कॉरिडोर है जिस पर हमें नाज करना चाहिए, लेकिन कप्तान साहब खुद अपने वहां पर जो अपनी टीम के सिद्धू साहब को ले जाने से रोकते रहे और उसकी दिशा भटक चुकी है, वहां पर श्रेय लेने की लड़ाई चल रही है।
लोगों की भावनाओं को तो यहाँ पर समझा नहीं जा रहा। एक राज्य के प्रमुख होने के नाते आपके पास मौका था कि आप यूथ के लिए रोजगार के कोई अवसर लाते, आप कोई रेल कपूरथला रेल को फैक्ट्री की तरह कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाते, यहाँ यूथ को जोड़ सकते थे। ऐसी कोई घोषणा नहीं है। मुद्दा था कि अगर मुद्दा विपक्ष नहीं उठा रहा तो कैप्टन साहब खुद लोगों के ऊपर अपनी मेहरबानियां लुटा सकते हैं, अच्छी घोषणाएं लाए इस सत्र में। ठीक है परमिंदर जी, मैं सर आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अभिषेक सिंह बलटोहा साहब से एक सवाल, राजकुमार वेरका साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेरका साहब आपका भी स्वागत है, आपके पास लौटता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल अभिषेक सिंह बलटोहा साहब से। बलटोहा साहब, क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वो इस तरह के सत्र में भी सरकार के सामने मुद्दे उठाने की स्थिति में नहीं है? देखिए ये तो जाती है, पेशाब भी कर रहे हैं तो पहले तो कांग्रेस कर रही है। जहां तक पंजाब में मुद्दों की बात है, आज किसानी किस हाल में है और किसान का गन्ने का पैसा जो बकाया है सरकार की तरफ अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो ऐसी वजीफे हैं जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके वजीफे हैं वो कहीं मिल नहीं रहे, और जो टीचर्स हैं उनकी 45,000 से 15,000 तनख्वाह कर दी गई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो पंजाब की उस विधानसभा में सरकार की जवाबदेही बनाते हैं, तो उनको ये चाहते हैं कि कोई उठाए ही नहीं। कल क्वेश्चन आवर आएगा, 5 मिनट का जीरो आवर आएगा और कुछ विधानक कामकाज आएगा तो उसके बाद क्या हाउस उठा दिया जाएगा? पहले तो 3-4 सिटिंग का इन्होंने खुद ने अनाउंस किया था, तो 4 सिटिंग से आज का तो निकल गया, विचरी में निकल गया जी। तो कल का जो है ये एक सिटिंग देंगे तो उसके बाद हाउस को उठा देंगे, तो कहां जो एमएलए से बान है जो अपने अपने इलाके का नेतृत्व करते हैं, वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सवाल जो हैं उन्होंने अपने इलाके के उठाने हैं, प्रदेश के उठाने हैं, पंजाब की समस्या उठानी है, तो वो कहां उठाएंगे? क्या मीडिया रह गया कि मीडिया में जाए तो मीडिया में बात करें, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बने? तो ये दुख की बात है, मुद्दे बहुत हैं, सरकार की जवाबदेही के लिए सवाल बहुत हैं, पर सरकार उन सवालों से उन मुद्दों से बचना चाहती है, भागना चाहती है। वो सामने नजर आ रहा है कि 4 सिटिंग का आपने हाउस ऐलान किया है, तो अब आप आज का तो एक सिटिंग निकल गया तो कल का एक सिटिंग देकर आप हाउस को उठा रहे हैं, तो जब चाहिए कम से कम ये जो सेशन है आपका कम से कम एक हफ्ता तो चाहिए, 5 दिन का तो चाहिए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो चाहिए, तो एक सिटिंग का कभी हाउस होना है? एक सिटिंग का, उसमें भी क्या है विधानक कामकाज होगा, विधानक कामकाज में तो स्पीकर की मर्जी है, उसके अलावा तो कोई किसी को बोलने नहीं देंगे, तो मुद्दे कहाँ जाएंगे, सवाल कहाँ जाएंगे, सवाल सरकार की जवाबदेही कहाँ जाएगी, ये सवाल है। ठीक है बलजिंदर कौर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे से परविंदर शारदा जी ने इस बात का जिक्र किया, राजकुमार वेरका जी की भी बाइट हम लोग प्ले कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि आम आदमी किस हिसाब से कुछ रख पाएगी, वो तो अपने आप में कई धड़ों में बढ़ चुकी है पंजाब में, वो एकजुट ही नहीं है, तो एकजुटता नहीं है तो फिर विपक्ष ही एकजुट नहीं है, तो कैसे वो अपनी बातों को रख पाएगा? सरकार अपना पहले रोल प्ले करे कि जब लोगों ने इतनी उम्मीदों से सरकार कांग्रेस को सत्ता में लेके आए तो फर्स्ट ड्यूटी जो बन रही है वो गवर्नमेंट की बन रही है। ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी फिट इज इन ऑपोजिशन, तो हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे, ये मैटर नहीं करता, बट इस बात का हम भरोसा हम यकीन लोगों को दिलाते हैं कि बेशक हमारे में लाख डिफरेंसेस हैं, बेशक मतभेद हैं, बट इट डजंट मीन कि हम अपने जो हमारे डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस की वजह से हम लोगों को मतलब सफर कराएंगे। जो हमारी प्राइम ड्यूटी है, जो हमारी एक फर्स्ट ड्यूटी है, हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफकोर्स हम लोगों की आवाज़ बन के खड़ेंगे, मतलब हम ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो हम लोगों को इसमें सफर नहीं कराएंगे कभी भी। ठीक है चलिए, ये एक अच्छी बात है बलजिंदर कौर साहिबा कि बहुत कम ऐसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या नेता हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ पार्टी में किसी तरह की मतभेद और मनभेद वाली खबर है। चलिए आपने एटलीस्ट स्वीकार तो किया, ये अच्छी बात है। बलटोहा साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि चलिए कांग्रेस अगर सत्ता में है और वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, जिन जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, नशे का मुद्दा हो,
ये तो अच्छी बात है ना आपके लिए 2019 में इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप उतरेंगे और लोकसभा के चुनाव में स्ट्रांगली आप कांग्रेस के सामने पॉइंट अपना रख सकेंगे। देखिए ये तो आप जो बात कर रहे हैं कि हम लोगों में जाएंगे मुद्दे उठाएंगे कि सरकार इनसे भाग रही है, पर पंजाब की बेहतरी कब होगी, पंजाब का सुधार क्या कब होगा, जो इन्होंने वायदे किए उनकी जवाबदेही कब होगी। पंजाब की बेहतरी के लिए तो डिस्कशन जरूरी है, सवाल जवाब होने चाहिए और विपक्ष को सवाल करने चाहिए और सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए। क्या वल्टुआ साहब, पंजाब की स्थिति पिछले 1.5-2 साल में खराब हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं और बेहतरी चाहता हूँ, जो पहले है जैसा है उससे बेहतर होना चाहिए ना। तो घर भी है हमारा होता तो हम उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो पंजाब जो है, पंजाब की हमने डेवलपमेंट की है, आपके सामने है, रोड नेटवर्क है, एयर कनेक्टिविटी है, पावर सरप्लस किया है, गाँव का, शहरों का, कस्बों का हमने विकास किया है, लोगों को रोजगार दिया है, 2.5 लाख नौकरी दी है हमने। तो ये जो कहते थे घर घर में नौकरी देंगे, फार्म भरवाए थे नौजवानों से, जू से भरवाए थे, तो कहाँ गए फार्म, रद्दी में बिक गए। किसानों का कहते थे कर्जा माफ करेंगे, हर एक तरह का कर्जा माफ करेंगे, चाहे वो आरपीआई का कर्जा है, चाहे सरकारी बैंक का कर्जा है, चाहे प्राइवेट बैंक का कर्जा है, चाहे सहकारी के बैंक का कर्जा है, चाहे किस सोसाइटी का कर्जा है, वो हर एक तरह का कर्जा माफ करेंगे। किसानों के फार्म भरवाए थे वो कहाँ गए। तो ये जो सरकार का लोगों को मालूम पड़ गया, पंजाब के आम जनता को मालूम पड़ गया कि ये सरकार जिसने हमें लुभावने हमारे साथ वायदे किए थे ये करने वाली कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो उल्टा बोझ डाला जा रहा है, उल्टा चाहे पावर के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे लोगों को और कई तरह की तकलीफें दी जा रही हैं, आज भी पंजाब में आज के दिन में पंजाब में किसान। ठीक है वल्टो साहब, मैं एक सेकंड रोक रहा हूँ आपको। सुखदेव सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह साहब, सत्र की अवधि एक तो पहले कम उसके बाद और कम, चाहती क्या है सरकार? सुखदेव सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे संपर्क टूट गया हमारा, दोबारा से उनसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बंजिल दे कौर साहिबा, सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हम पंजाब में देख रहे हैं और आप लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार अपने कामकाज को ठीक ढंग से नहीं कर पाई, मैं आपसे थोड़ा सा और पीछे चाहूँगा कि आप जाएं, और अकाली और बीजेपी की जब सरकार थी पंजाब में, क्या आपको लगता है कि वो वहाँ से और डाउनफॉल हुआ है पंजाब का, या आपको लगता है उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए? बलजिंदर कौर जी, हाँ जी, हेलो। हाँ बलजिंदर कौर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अकाली बीजेपी की सरकार जब से गई है पंजाब में और कांग्रेस की सरकार जब से आई है पंजाब में, आप कितना फर्क देख रही हैं, क्या डाउनफॉल हुआ है या स्पीड कम है ऊपर बढ़ने की? सेम जैसे अकाली बीजेपी की सरकार चल रही थी वैसे ही कांग्रेस सरकार चल रही है जी, तो इनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो मोदी सरकार ने बड़े बड़े प्रॉमिस करे थे कि हम 2 करोड़ की नौकरी है, जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट अबूव करी है हम घर घर में नौकरी देंगे, और मोदी गवर्नमेंट कहती है कि पकौड़े बेचना जॉब है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि अगर कबाड़ भी बेचे तो भी जॉब है। ठीक है, तो ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो गवर्नमेंट अभी उसी तरीके से चल रही थी कि लूट मचा रही थी कि हर तरह का माफिया, तो सेम इस टाइम है जो कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही है। उन्होंने हमारे गुरु साहब की बेइज्जती कराई, तो अब सबसे बड़ी बेइज्जती अगर हो रही है तो वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रही है, जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट लोगों को, गुरु साहब को इंसाफ दिलवाने के लिए मतलब उसकी कोई बात नहीं कर रही। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वल्टुआ साहब कुछ जवाब देना चाहेंगे इस पर? नहीं, मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। बलजिंदर कौर जी हैं विधायक आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार और कांग्रेस की सरकार में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। देखिए इनको कहने का हक है, ये तो जो मर्जी कहेंगे। पहले ये लोग वो थे जो कहते थे कि पंजाब में 117 में से 100 सीट आएगी हमारी, तो 100 सीट आएंगी, किसने मुख्यमंत्री बनना है, किसने बना है आपस में, आज क्या बात है, इनके कैसा बना हुआ है, कैसा इनका हाल है, पहले तो खुद का हाल तो सुधार लें।
सरकारें तब चलती हैं। एक मिनट मैं बीच में नहीं बोलता, मैं तुहाडे विच बोलिया। कोई भी सरकार जो चलती है वो संगठन मजबूत हो और एक दूसरे पे भरोसा हो तब चलता है। तो यहां तो एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है। बीपी जी खैरा को गाली निकाल रही है, कभी भगवंत मान को उधर बोल रहे हैं, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है। तो ये सरकार देने की बात करें, और हमने दी। ठीक है कि आज हर एक को लोकतंत्र में अधिकार है कि कोई भी किसी पे भी कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है। कि यहाँ जी ये कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि यहाँ रेत माफिया था जी, यहाँ ड्रग माफिया था जी, यहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया था जी, यहाँ केबल माफिया था। तो दो साल हो गए। हम कहते हैं कि जेकर हमने किसी तरह के सरकार को चलाने में कोई गलती की है तो हमें सजा दी है। हमारे ठीक है, बलजिंदर कौर जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। बलजिंदर, एक गल जरूर कहना चाहवां कि सब ने बड़े सोहने तरीके दे नाल कहा कि मैं विचों इंटरप्ट ना करा ते, पर मैं इन्हां दी गल दा जरूर कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी इको सूबे दे विच जिहड़ा अपने आप दे विच कंप्लीट भी नहीं है, दिल्ली है राइट, उत्थे सरकार आई हुई है ते उत्थे जिन्ने क वादे लोगों के नाल कीते ता जिन्ना टाइम पीरियड हाले कंप्लीट होण दा है सरकार दा कि जिन्ने टाइम दे विच कहे उदों अद्धे टाइम दे विचों पूरे करके साडे सामने पूरे देश भर दे सामने एज अ एग्जाम्पल सैट करती ते जिहड़े इत्थे 10-10 साल सत्ता दे विच रह गए ते इत्थे कांग्रेस गवर्नमेंट हुण जिहड़ी सत्ता दे विच आ ते इहनां नूं ते कहण दा कोई राइट ही नहीं बणदा कि आम आदमी पार्टी अपने आप नूं करैक्ट करे। आम आदमी पार्टी पंजाब च आई कदों? बलजिंदर जी, आम आदमी पार्टी दा दिल्ली दे विच आई जे उत्थे है कोई खामी तां बेशक, मतलब दे आर मोस्ट वेलकम टू स्पीक आउट। चलिए, संदीप गोडसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन बस जल्दी से दे दीजिए। सत्र की अवधि इतनी कम पहले थी, अब और कम कर दी आप लोगों ने, नहीं चाहते कि विपक्ष कुछ बोले? ऐसा है जी, हम तो ये हमेशा ही चाहते हैं कि विपक्ष पूरा बोले, पर कोई अगर विपक्ष ने कुछ बोलना है तो कोई तुक पे बोले, कोई आधार पे बोले, बिना वजह वैसे टाइम तो वेस्ट करे। सर, विपक्ष आप चाहते हैं बोले, वक्त देंगे नहीं तो बोलेगा क्या? हम तो वक्त दे रहे हैं, हमेशा ही वक्त देते हैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि वक्त नहीं देते हैं। एक एक कल की सिटिंग एक है, उसके बाद तो कोई सिटिंग ही नहीं रखी आप लोगों ने। देखिए जी, ऐसा है कि ये तो डिसाइड तो स्पीकर साहब ने करना होता है कि कितना सेशन में कितना चलाना है, और पक्ष और विपक्ष को जो टाइम है पूरा मिलता है। अगर दो दिन का समय है तो उसमें भी इनको टाइम पूरा मिलेगा, जो इनका टाइम है वो डिमांड। दो दिन का भी समय नहीं बचा ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ये बहुत अहम मसला है कि विपक्ष को बोलने ही अगर विधानसभा में नहीं दिया जाए या फिर उनको मौका ही ना मिले, वक्त ना मिले, तो फिर ये सवाल उठेगा कि आखिर सरकार चाहती क्या। पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।